जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31, 32, 33, 34, 35 पर चर्चा करेंगे। सौधर्मम अपि चावेक्ष्य न विक्रम पितुम अर्हसि, धर्म्यादधि युधाश्च श्रेयो नैते क्षत्रिय रूप न विपते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने कर्म का पालन करते हुए तुम्हें इस धर्म युद्ध में संदेह नहीं करना चाहिए। इस युद्ध को धर्म युद्ध मानकर बिना किसी संकोच के इसमें भाग लेना ही क्षत्रिय का धर्म है। यदृष्ट्या चौपन्यम सर्गद्वारम पाप्तम सुखी नक्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धमी दर्शम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि उन्हें जो धर्म युद्ध मिला है वह स्वर्ग के द्वार के समान है, जो पवित्र है। इस प्रकार के युद्ध में भाग लेना एक क्षत्रिय यानी योद्धा के लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यह उन्हें धर्म का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। इस युद्ध को अवसर समझकर अर्जुन को बिना किसी संकोच के इसमें भाग लेना चाहिए। अत चेतव मीमम धर्म्यम संग्रामम न क्रियसी ततः सर्वधर्मम कृतिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और यश दोनों को खो दोगे और पाप को प्राप्त करोगे। इसके विपरीत युद्ध के पीछे हटने पर उसे कायरता और अपमान का सामना करना पड़ेगा, जो पाप के बराबर है। अकृतिम चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चाकि तीर मरणादति रिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वह युद्ध से पीछे हटता है तो लोग उसे कायर और अपमान जनक समझेंगे। तुम्हारी जो बदनामी होगी वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह सब सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान और बदनामी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। भयात्रना दुप्रात मश्यन्ते त्वाम महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम युद्ध से पीछे हट जाते हो तो बड़े बड़े महान योद्धा यह मान लेंगे कि तुमने डर के कारण युद्ध से हटने का निर्णय लिया है। जो लोग अब तक तुम्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे वे भी तुम्हें कायर मानने लगेंगे और तुम्हारा सम्मान खो देंगे। इससे तुम्हें लज्जा और अपमान का सामना करना पड़ेगा। हे अर्जुन, एक योद्धा के लिए कर्तव्य और सम्मान सर्वोपरि है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।